हाय एवरीवन, आप सबको याद होगा और पता भी होगा कि डॉन 3 का अनाउंसमेंट पहले जब हुआ था उस टाइम शाहरुख खान को देखने के लिए मिलने वाला था। बीच में कुछ कंट्रोवर्सी हुआ जिसके लिए इसमें रणवीर सिंह को लाया जाएगा, ऐसा अपडेट आ रहा था। और अब जाकर फाइनली अपडेट आ चुका है कि इस मूवी में आखिर किसको देखने के लिए मिलेगा। दोस्तों ऐसे आपका कमेंट क्या है वो भी आप बता सकते हैं कमेंट करके। दोस्तों आखिर आप किसको देखना चाहते हैं, यानी डॉन 3 में किंग खान को यानी शाहरुख खान को देखना चाहते हैं कि रणवीर सिंह को देखना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों जो अपडेट आया है उस अपडेट को आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं। हाल ही में अपडेट आया कि इस मूवी में रणवीर सिंह को ही देखने के लिए मिलेगा। इस मूवी का डायरेक्टर यानी फरहान अख्तर ने यही फैसला किया है दोस्तों, यानी जंगली बिल्ली को नहीं देखने के लिए मिलेगा। और इस मूवी में जो नया कैरेक्टर देखने के लिए मिलेगा वो है रणवीर सिंह। तो आप कितने एक्साइटेड है रणवीर सिंह को डॉन 3 में देखने के लिए, और आपका क्या कहना है डॉन 3 का जो रूल है ये निभा पाएगा कि नहीं? दोस्तों आप कमेंट करके जरूर जरूर बता दीजिएगा दोस्तों। और दोस्तों आप लोग को बता दो, इस मूवी का जो कास्टिंग होने वाला है वही रणवीर सिंह और कायरा आदिबनी कोवाल और कोवाल कपूर प्रियंका चोपड़ा, यानी प्रियंका चोपड़ा को देखने के लिए मिलेगा कि नहीं ये तो कोई अपडेट नहीं आया, लेकिन आने वाला टाइम पर बहुत ही जल्दी पता चलेगा। इस मूवी का काम ऑलरेडी शुरू कर दिया है, आने वाला टाइम पर 2025 में या 26 में आप लोगों को इस मूवी को देखने के लिए मिलेगा दोस्तों। तो दोस्तों इस मूवी को देखने के लिए कितने एक्साइटेड है कमेंट करके बता दीजिएगा। हमेशा मैं न्यू मूवीज के बात करते रहता हूँ। वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो कर लीजिएगा दोस्तों। तो दोस्तों डॉन 3 यानी रणवीर सिंह को देखने के लिए मिलेगा। जैसे इस मूवी आएगा लोग देखने के लिए थोड़ा एक्साइटेड रहेगा क्योंकि एक नया कैरेक्टर तो देखने के लिए मिलेगा दोस्तों। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो, तब तक सुस्त रहिए, हमेशा खुश रहिए, टेक केयर दोस्तों।